रोनके ही रोनके नजर आएंगी। बिल्कुल ये नज़ारा मेन जो एक चौक बना हुआ है, और ये भी काफ़ी फेमस जगह है। ये आपने शायद मूवीज़ वगैरह में देखी होगी ये जगह, तो काफ़ी जो है वो प्यारी जगह है। और यहाँ से जो है हर साइड पे एक रोड निकलता है, जैसे कि ये डायरेक्शन है, जैसे कि ये सामने डायरेक्शन है उस साइड पे है, और इसके बाद फिर यहाँ से ही थोड़ा सा दूर जो है बर्लिन गेट है। बाकी बाकी साइकिल भी आ रहा है रास्ते में, तो बाकी जो है ये आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। काफ़ी खूबसूरत जगह बनी हुई है, ये पूरे का पूरा वो टावर। यहाँ पर इसका सारी हिस्ट्री लिखी हुई है, यहाँ पर टोटली जो जर्मन में लिखी हुई है, तो इसकी जो भी हिस्ट्री है, जैसे जैसे ये बना उसके अंदर सीढ़ियाँ वगैरह सब कुछ। ये पहले ये जो पुरानी पिक्चर है इसमें आप देख सकते हैं कि नीचे को सही कर रहा है, पता नहीं क्या। ये देखिए यहाँ पर भी, और ये इसके अंदर का एक्सरे है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये कैसे कैसे क्या बना हुआ है। और ये भी आप देखें यहाँ पर, ये इंग्लिश में नीचे लिखा हुआ है थोड़ा सा, ये 2 सितंबर 1873 की ये जो फोटो एस थी या जो भी था उसके बारे में लिखा हुआ है। ट्रैफिक आ रही है हर तरफ से, तो वहाँ से क्रॉस करना बहुत मुश्किल है, तो सेफ्टी के लिए बेस्ट यही है कि आप यहाँ से आए नीचे से, और नीचे से आने के बाद आप सीधे निकलेंगे यहाँ पर जहाँ पर वो है। जैसे जैसे मैं ऊपर जाता जाऊँगा आपको नजर आती है। बाकी साइडों पे आप देख रहे हैं ट्रैफिक, मैंने इसको थोड़ा सा इस तरह वीडियो को बनाया है ताकि थोड़ी सी जो फीलिंग भी है वो भी आए पुराने एरा की। ये आप देख सकते हैं इस साइड पे सामने आपको नज़र आ रहा होगा, जूम करता हूँ, टीवी टावर है। टीवी टावर के साथ ही ये टीवी टावर रहा, टीवी टावर के साथ ये सामने आपको बर्लिन गेट नज़र आ रहा होगा, बहुत ही खूबसूरत मंज़र। यहाँ से आप देखें वो सामने टीवी टावर, टीवी टावर के साथ ही ये सामने बर्लिन गेट। इससे ज़्यादा जूम करूँगा तो शायद आपको सही से नज़र न आता है, बट ये है नज़ारा आपका। ब्लैक एंड वाइट भी ये देखिए, ये सारे जो हिस्ट्री के रिलेटेड स्केच वगैरह वो बनाए हुए हैं इन्होंने।
ही मौसम, थोड़ा सा खुलेगा, स्प्रिंग आएगा, बाहर का मौसम आएगा, तो हर तरफ आपको ये ग्रीनरी ही नज़र आएगी। तो ये रहा क्लोज़अप, यहाँ से आप देखें, आपको दिखा देता हूँ, ये रहा यहाँ पे काफ़ी बॉलीवुड मूवीज़ वगैरह भी हैं जो रिलीज हुई हैं, वो सामने आपको शायद जाती हुई नजर आए। मेट्रो एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं आपको पहले से दिखा रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाहर यहाँ पे गोलियाँ लगी थी, इसके निशान आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, ये रहा, ये सारे वक्त गोलियों के निशान हैं ये। तो इस तरह ये पूरी बिल्डिंग के ऊपर गोलियों के निशान आपको नजर आए, ये देखिए बहुत बड़ा निशान ये है सामने। और ये जो इसी तरह इस बिल्डिंग के जो ये जो है परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे, इनसे मैंने परमिशन ली है कि वीडियो बनाने की मुझे परमिशन दी जाए, तो इन्होंने मुझे परमिशन दे दी है। के स्किल्स देखें, जगह पे ये म्यूजिक ज्यादा लाउड लग रहा है क्योंकि ये अंदर वाली जगह बहुत ही अच्छा है। सो जिन साहब की मैंने वीडियो बनाई है उनसे परमिशन ली है, और उनसे ये भी परमिशन ली है कि मैं ये वीडियो अपने YouTube चैनल पे डालना चाहता हूँ। तो काफ़ी अच्छे इंसान थे, उन्होंने परमिशन दी। तो अब इसका म्यूज़िक जो है वो भी मैं बैकग्राउंड में चलाऊँगा, काफ़ी अच्छा म्यूज़िक था। तो बाकी अभी ये बर्लिन गेट की तरफ जा रहा हूँ, तो आप ये साथ में देखते जाइए, पार्क शहर के बिल्कुल बीचों बीच, बर्लिन गेट यहाँ से तकरीबन अराउंड अबाउट 600-700 मीटर होगा, 1 किलोमीटर भी नहीं है। तो ये पार्क जो है इससे होते हुए वहाँ पे जाएंगे। तो ये छोटा सा ब्रिज, इस ब्रिज पे लोगों ने ये लॉक्स लगाए हुए हैं, देखिए लॉक्स का मतलब कि ये लवर्स हैं, ये आप देखें इसके ऊपर उनका नाम भी लिखा हुआ है। और इसके बाद ये बिल्कुल ये देखें 13-3-2004 K+M, इस तरह और भी हैं ये देखें, इस तरह के लोग पूरे जो है ना उन्होंने लगाए हुए हैं ऐसे इस छोटे से ब्रिज के ऊपर। तो ठंड की वजह से आप देख सकते हैं पानी का कलर कैसा हुआ है, क्योंकि ये फ्रेश पानी तो है नहीं, तो चलता हुआ भी नहीं है, तो गर्मियों में ये चल रहा होता है, साफ भी होता है और दिखने में भी अच्छा लगता है। यहाँ पर एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हमारे एशियन लोग जो हैं वो दरख्तों पे अपने लवर्स का नाम लिखते हैं, तो ऐसा भाई यूरोप में भी है, ये देखें काफ़ी लोगों ने अपने यहाँ पे प्यार का इजहार किया हुआ है इस दरख्त के ऊपर, देखिए किस तरह के, किसी ने हार्ट बनाया हुआ है, किसी ने उसका नाम लिखा हुआ है, डेट लिखी हुई है, ये भी काफ़ी सिमिलर है एशिया की तरफ, इंसान इंसान ही होता है, चाहे वो यूरोप का हो चाहे वो पता ना पाए।
एशिया का होगा। देखो जो बाकी आंखें तुझे समझ आए तू जाने ना। आप देख रहे हैं रनिंग कर रहे हैं, फिट रहने के लिए रनिंग करना जरूरी है। हमें भी अल्लाह तौफीक दे हम भी करें रनिंग। ये जो बाइक खड़ा है ये यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड के ऊपर, यहाँ पे आप देखें इसका एक आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आप उसको मोबाइल को रखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगा। तो इस तरह इसको आप यूज़ कर सकते हैं सिटी के अंदर। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है कि आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने से बेटर ये है कि आप इसको यूज़ करें, इससे हेल्थ भी अच्छी रहेगी और इजीली आप हर जगह पे जा भी सकते हैं और आपके पैसे भी बच जाएंगे। हाँ जी दोस्तों, तो अच्छी न्यूज़ ये है कि सूरज जो है वो निकल आया है। कैसे मतलब कि अब ठंड जो है वो नहीं होगी, बादल है अभी भी सूरज के आसपास पर काफी टेम्परेचर सही है, इतनी ज्यादा ठंड नहीं है। तुझको पुकारे मेरी परछाइयां, आपके पास अगर एक दिन हो और आपने बड़ी घूमना हो और ठंड हो या बारिश हो रही हो तो फिर सारा मजा खराब हो जाएगा। तो ये अच्छी बात है कि सूरज तुझसे जुड़े हर पल ये तेरा नाम है। मैंने सोचा चलो इसकी थोड़ी सी वीडियो बना लेता हूँ आपके साथ में, तो शेयर क्या है कमी ये सही रास्ता है तो बाइक मतलब रोड की तरफ जा रहा है। तो ये जो रोड है ये सीधा बर्लिन गेट की तरफ जा रहा है। तो अभी हम बर्लिन गेट की तरफ ही जा रहा हूँ मैं, तो वहाँ जाके आपको फिर आगे का नज़ारा दिखाते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो सामने बर्लिन गेट, अभी मैं रोड के बीच में जाता हूँ, वहाँ जाके एक थोड़ी सी वीडियो बनाऊँगा। और इस साइड पे वो जो मैंने आपको पहले दिखाया है बड़ी फेमस बिल्डिंग बहुत सारी सामने बर्लिन गेट दोस्तों, आपको मीटर से दिखा रहा हूँ। ये देखिए, और इसके साथ ये सामने कोने में टीवी टावर, बर्लिन गेट, और इस बर्लिन गेट के पीछे आपको एक और बहुत फेमस बिल्डिंग है वो नज़र आएगी। इसके बाद फिर वहाँ पे भी चलेंगे। तो ये रहा बर्लिन गेट का नज़ारा बिल्कुल रोड के मिडल से। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र आई है, सोचा वो भी आपको दिखा दूँ। ये देखिए, ये इलेक्ट्रिक स्कूटी टाइप है, इसके लिए भी आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। और ये टोटली जो है वो माहौल दोस्त है, क्योंकि ये बिजली पे चार्ज होती है और उसके बाद इसके ऊपर आप बर्लिन घूम सकते हैं। तो इसका भी ऐप है, वो आप ऐप डाउनलोड करें और इस जगह के ऊपर लगाएं, यहाँ से ये अनलॉक हो जाएगा। तो ये आप रात को भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसके साथ लाइट का भी सिस्टम है। ये आप देखें सामने, तो ये भी एक अच्छा एक काम है। बर्लिन की ये जो नॉर्मल चीज़ें आज आपको यही देखने को मिलेंगी। तो जी हाँ दोस्तों, अभी आपको दिखाता हूँ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रशिया के जो टैंक्स थे यूज़ हुए थे सोवियत यूनियन के, वो यहाँ पे खड़े हैं।
और ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं इसमें वो पीछे आप जो बिल्डिंग, ये वाली बिल्डिंग देख रहे हैं, ये जर्मन पार्लियामेंट था सेकंड वर्ल्ड वार में। देखिए इसका क्या हाल था, तो ये टोटली जो है तबाह हो चुका था। तो ये वो टैंक है जो रशियंस ने यूज़ किए थे सोवियत यूनियन में, जो वार हुई थी सेकंड वर्ल्ड वार उसके अंदर। तो ये अभी भी यहाँ पे खड़े हैं, आप देख सकते हैं। और इस तरह का दूसरा टैंक वो सामने खड़ा है उस साइड पे, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये खड़ा है जी, ये वाला। और साथ में ये पीछे छोटी तोपें, एक ये खड़ी है और एक ये है। और वो पीछे इन्होंने मोमेंट बनाया हुआ है जिसके ऊपर उस वक़्त जो फौजी वगैरह मारे गए थे उनके यादगारी नाम वगैरह लिखे हुए हैं। इस साइड पे ये टैंक खड़ा है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया है। और साथ में ही उस साइड पे लेके जाता हूँ, वहाँ पे डेट भी लिखी हुई है जैसे कि जो वर्ल्ड वार हुई थी 1941 में शायद, आई थिंक वर्ल्ड वार तो 1939 में स्टार्ट हुई थी। जी हाँ दोस्तों, ये यादगार बनाई हुई है उन्होंने जहाँ पे फौजियों के नाम लिखे हुए थे। तो ये देखिए आप, ये रशियन में लिखा हुआ है सारा। तो जो जो भी यहाँ पे पहली वर्ल्ड वार में, दूसरी वर्ल्ड वार में मरा था उसके जो है नाम्स वगैरह, और यहाँ पे लोगों ने फूल वगैरह रखे हुए हैं, ये डेट लिखी हुई है। ये दूसरी साइड पर भी है, उसके सामने ये खुली जगह और वो तोपे टैंक वगैरह खड़े हैं, ये आप देख लें। ये सिस्टम है, तो भी थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ आपको। ये तोप वगैरह खड़े हुए, ये रशियंस ने आई थिंक बनाया है। आपको दिखाता हूँ जो जर्मन पार्लियामेंट थी वो दिखाता हूँ आपको। तो ये जिसके ऊपर जर्मन फ्लैग लगे हुए हैं ना, ये जर्मन पार्लियामेंट, यहाँ पर ये जर्मन पार्लियामेंट जो मैंने आपको भी दिखाई है, ये वो बिल्डिंग है। अभी भी पार्लियामेंट यहीं पर है, उस वक्त तो सारी जो है वो जंग के अंदर टूट फूट गई थी, पर इन लोगों ने उसको फिर सही करके अभी भी पार्लियामेंट उसी जगह पर है, चेंज नहीं की। साथ में नई पार्लियामेंट बनी है पर यूज़ वो ये दोनों ही कर रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अभी यहाँ से निकल रहा हूँ मैं। तो साथ में छोटा सा पार्क है, सारा दिन लोग जो है वो यहाँ पे आते रहते हैं, टूरिस्ट हों चाहे वो किसी और सिटी से आए हों, तो काफ़ी रश लगा रहता है यहाँ पे लोगों का। ख़ास तौर पे समर्स में तो काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं दूसरे कंट्री से भी, और यहाँ के भी जो लोकल टूरिस्ट वगैरह होते हैं, स्टूडेंट्स वगैरह, वो आते रहते हैं यहाँ पे। सारे लोग जो है जी अपनी अपनी फ़ोटो लेने में मसरूफ़ हैं, हर किसी का अपना स्टाइल है, ऐसे कि आप देख रहे हैं। तो ये बिल्कुल सामने का नज़ारा, यहाँ से आपको देख लें। ठंड जो है अभी भी काफ़ी है, ठंड जो है ख़त्म नहीं हुई। तो ये सामने आपको फ्रांस की एम्बेसी नज़र आएगी, वो तो सामने आगे रशियन एम्बेसी है, ये यहाँ पे प्रोटेस्ट की तैयारी कर रहे हैं ईरान के बारे में। ये देखिए अपना सारा जो सामान है किया हुआ है। आप देखिए
की रौनकें नजर आएंगी। दोस्तों अभी हम लोग आ गए हैं बर्लिन गेट पे। ये बर्लिन गेट है सामने, जैसा कि आप देख रहे हैं ये वाला। तो दुनिया में अगर बर्लिन को किसी बिल्डिंग या किसी निशान से जाना जाता है या तो ये आपका, तो काफ़ी टूरिस्ट हैं। ये सामने आप देख रहे हैं, यहाँ पर अमेरिकन एम्बेसी है। ये लोग इस तरफ भी खड़े हैं। तो थोड़ा सा आपको इसका ये घोड़े घोड़ों के पीछे बग्घियाँ, अगर आप इसके नज़ारे लेना चाहते हैं तो ये भी आपको पूरा टूर करवाते हैं बर्लिन का, जो मेन मेन जगहें हैं उनका। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत घोड़े, इसकी रेट प्राइस ये लिखी हुई है। 30 मिनट का टूर जो है जी, 2 और 1 45 विद 60 मिनट का, तो 60 यूरो का जी, फिर 80 यूरो का, फिर जो 1 घंटे का जी वो 100 यूरो। 100 यूरो अगर आप 6 लोग हैं या 5 लोग हैं तो 20 यूरो या 15 यूरो के हिसाब से आपको ये टूर पड़ेगा। तो अगर आप ग्रुप में हैं तो आपको इतना मुश्किल नहीं होगा। काफ़ी खूबसूरत बन बग्घी है जी, घोड़े, देखिए साथ में बर्लिन गेट। हाँ जी दोस्तों, बहुत शुक्रिया मेहरबानी वीडियो देखने के लिए। तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखा करें और इसमें जो कमियां हैं उनके बारे में आप कमेंट्स में मेरे साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो कोशिश तो मैं यही करता हूं कि दिन ब दिन इसको इम्प्रूव करूं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आने वाली जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस किया करें, जिन्होंने नहीं किया हो अभी तक। तो सी यू नेक्स्ट।